Good morning, everyone. I'm Anil Kumar, your biology teacher. So, first two videos upload ho chuki hai. First video ka maine response dekha, kafi acha tha. Aapko achhi lagi. Mujhe kafi khushi hai is cheez ko lekar. And I am hoping ki aap study bhi achhe se karne lag rahe hoge. Jo bachche group se jude hue hain, unko assignment bhi milne lag rahi hogi and wo kar bhi rahe honge. I am quite much hoping ki unki study bhi achhi chal rahi hogi. चैप्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आज का जो टॉपिक है हमारा टीएस ऑफ मैमेलियन ओवरी, ये भी इम्पोर्टेंट है. पिछले भी इम्पोर्टेंट थे, ये भी इम्पोर्टेंट है. वो वाला टॉपिक भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये वाला भी आया हुआ है. डायग्राम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो पहले मैं केवल इसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा दूसरी चीजों के साथ में रिलेट करूंगा. एंड फाइनली जब असाइनमेंट मिलेगी तो दो चार क्वेश्चन जब आप करेंगे एंड एक दो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें तो आपको लगेगा कि इट इज नॉट ए बिग डील. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से, टीएस ऑफ मैमेलियन ओवरी. सो अगर हम ओवरी को अगर टीएस की बात करने लग रहे हैं तो टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन. ओवरी प्रेजेंट कहां पर है? एब्डोमेन में प्रेजेंट है. एंड एब्डोमेन के ऊपर जो ओवरी है, अगर हम उसको ट्रांसवर्सली अगर काट के देखते हैं तो उसका डायग्राम कैसा होगा? तो डायग्राम बनाते हैं. तो कोई भी डायग्राम बनता है तो उस डायग्राम के लिए आउटर मोस्ट एक लेयर जो है वो बनती है, लेकिन इसकी जो लेयर है वो हम एक नहीं तीन बनाएंगे. कितनी लेयर बनाएंगे अभी? तीन. और जो तीन लेयर बनेगी उनका अलग अलग नाम भी है. इसको थोड़ा सा आप रिलेट करें दूसरे ऑर्गन के साथ में. जैसे अपने हार्ट के बारे में पढ़ा था, हार्ट सराउंडेड है लेयर से, और जो लेयर थी हमने उसका नाम लिया था पेरिकार्डियम. और पेरिकार्डियम अगर आपको 11th में याद हो तो जितने भी ऑर्गन है वो सभी सराउंडेड है पेरिटोनियम से. सिमिलरली ये ऑर्गन भी किसे सराउंड होगा? पेरिटोनियम से. लेकिन चूंकि हर एक ऑर्गन के अंदर चूंकि वो लेयर प्रेजेंट है तो हम अलग अलग नाम देते हैं. यहां पर भी अलग हमने नाम दे दिया, और इसका नाम हमने क्या दिया? मेसोवारियम. मेसोवारियम है क्या? पेरिटोनियम की लेयर है जो सराउंड करने वाली है. जैसे कि पेरिकार्डियम थी, अगर हम लंग के अंदर बात करें तो लंग के अंदर जो है प्लूरा थी. चूंकि ये जो ऑर्गन है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसके बाद जो लेयर बनती है यानी जो एपिडर्मल जो लेयर बनती है वो लेयर उसको हम कह देते हैं जर्मिनल एपिथीलियम. जर्मिनल एपी थीलियम. तो जर्मिनल एपिथीलियम यानी जर्म सेल जहां पर पाए जाते हैं, यानी कि गैमेट जो है जहां पर पाए जाते हो आप, जब गैमेट वहां पर पाए जाते हैं तो उसे चारों तरफ जो लेयर होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? जर्मिनल एपिथीलियम. ठीक है, इसके बाद एक कनेक्टिव टिश्यू की और लेयर है. जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उस लेयर का नाम मैं क्यों बताने लग रहा हूं? क्योंकि जब हम टेस्टिस के बारे में जब पढ़ेंगे उसको रिलेट करेंगे तो वहां पर भी हम उसका नाम लेंगे. इसी वजह से मैं उस लेयर का नाम जो है यहां पे बताने लग रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं भी बताता. इसके नीचे जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजीना. ट्यूनिका एल्बुजीनिया किसकी लेयर है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो सेगमेंट बनाने के लिए जरूरी होती है. तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजीना, और कहां पे प्रेजेंट है? डीप डाउन टू दी जर्मिनल एपिथीलियम. तो बाहर वाली लेयर मेसोवारियम, फिर उसके बाद में जर्मिनल एपिथीलियम, एंड फिर उसके बाद में ट्यूनिका एल्बुजीना. ठीक है, अगर हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो अंदर हमको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है, ये एक और ये दो. दो ब्लड वेसल मैंने दिखा दी, एंड जो दो ब्लड वेसल मैंने दिखाई है तो ये मैंने इसी वजह से दिखाई है कि एक मान लो आर्टरी है, एक जो है वेन जो है मान लो. ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि सेंटर का जो पोर्शन है वहां पर ब्लड वेसल प्रेजेंट है. अब थोड़ा सा आप मेमोराइज करें एड्रेनल ग्लैंड का, वहां पर हमने पढ़ा था एड्रेनल कोर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला. मेडुला कौन सा पार्ट था? अंदर वाला. यहां पे सेंटर का पोर्शन उसको हम क्या कहेंगे? मेडुला. तो जो ये पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा हम उसको क्या कहेंगे? मेडुला. एंड जो बाहर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? कोर्टेक्स. तो यानी कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ दी ओवरी इज कॉल्ड मेडुला एंड पेरिफेरी पार्ट इज कॉल्ड कोर्टेक्स. दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है.
सो कॉर्टेक्स है जो कि पेरिफेरल पार्ट है उसके अंदर कुछ अलग से स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, और जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेंटर में एक बड़ी सी सेल है एंड फिर उसको सराउंड करने वाले कुछ और सेल जो है पाई जाती है। अब इनको कहते हम कि ये जो है ये फोलिकल है, एंड फोलिकल जो अभी मैच्योर नहीं हुआ इसी वजह से हम इसको नाम दे देते हैं प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल यानी कि जो अंडर डेवलप है, यानी जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर कब होगा? देखिए मैच्योर होता है चूंकि हम ओवरी पढ़ने लग रहे हैं और ओवरी पाई जाती है फीमेल के अंदर, और जो फीमेल है उसके अंदर प्यूबर्टी आती है 10 से जो ज्यादा एज स्टार्ट होती है यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स। तो जब 10 ईयर्स जब उसके हो जाते हैं तो उसके ब्रेन के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, याद है कि सभी को। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, अगर लेट्स से ये हाइपोथैलेमस है एंड यहां से मैं निकाल लेता हूं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके दो लोब है, दो लोब का नाम पता है क्या है बताना? एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे वाला पार्ट कौन सा हो गया? एंटीरियर पिट्यूटरी, और पीछे वाला पार्ट कौन सा होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ऊपर क्या है? ऊपर है हाइपोथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस है जब प्यूबर्टी आती है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है रिलीजिंग हॉर्मोन, कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, GnRH। 11th की चीज है, याद है GnRH हाइपोथैलेमस से कहां पर जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी उसके बाद में सिंथेसाइज करती है, और वो सिंथेसाइज क्या करती है? गोनेडोट्रोपिन, ट्रोपिन यानी जो दूर जाके एक्ट करे, गोनेडो यानी गोनेड्स के अंदर, गोनेड यहां पे बात किसकी होने लग रही है? ओवरी की। यानी कि गोनेडोट्रोपिन जो है वो इस टाइप का हॉर्मोन है जो ब्लड से होता हुआ अल्टीमेटली कहां पर जाएगा? ओवरी के अंदर, और ओवरी के जाने के बाद में क्या करेगा? आसपास में जो फोलिकल है उसको डेवलप करना स्टार्ट करेगा। गोनेडोट्रोपिन दो हैं भाई, एक FSH और दूसरा LH। तो FSH भी जाता है कहां पे? ओवरी के पास, और LH भी जाता है कहां पे? ओवरी के पास। FSH जब जाता है ओवरी के पास में तो जो अंडर डेवलप्ड यानी प्रीमोर्डियल फोलिकल जो है उनकी अंदर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है, और जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सेंटर की जो सेल जो है वो बड़ी होने लग जाती है, एंड उसके चारों तरफ जो सेल जो है वो और ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं। तो जब इनकी मैचुरेशन स्टार्ट होती है, फोलिकल की जब मैचुरेशन स्टार्ट होती है तो हम इस फोलिकल का नाम दे देते हैं प्राइमरी फोलिकल। तो फोलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई कब? स्टार्ट हुई प्यूबर्टी पे, और प्यूबर्टी पे क्यों हुई? क्योंकि उस टाइम पे FSH जो है सीक्रेट होना स्टार्ट हो गया था। फोलिकल की डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुई है उसके अंदर सेंटर के अंदर सेल कौन सी है? सेंटर के अंदर जो सेल है उसका नाम है प्राइमरी ऊसाइट। नाम को ब्रेक करके पढ़ोगे ऊसाइट, ऊ यानी एग, साइट यानी सेल, एग की सेल यानी कि एक ऐसी एग है, एग की सेल है जो फाइनली होके मैच्योर ओवम के अंदर कन्वर्ट होगी, एंड इसके चारों तरफ कुछ और सेल है, जो इसके चारों तरफ जो सेल है उसको हम फोलिकुलर सेल भी कह देते हैं, फोलिकुलर सेल, या फिर उसको जो है ग्रेनुलोसा सेल भी कह देते हैं, एक ही बात है, ग्रेनुलोसा सेल। FSH की सिक्रीशन जो है कंटिन्यू रहती है, एंड उसके बाद में जो ये प्राइमरी फोलिकल है, प्राइमरी फोलिकल इज कंप्राइज ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, एक प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी जो है फोलिकुलर सेल यानी कि ग्रेनुलोसा सेल। इसके बाद में इसकी डेवलपमेंट और स्टार्ट होती है, जब डेवलपमेंट और स्टार्ट होती है तो जो प्राइमरी ओसाइट है उसके चारों तरफ सेल तो लगती है ही, लेकिन जो ग्रेनुलोसा सेल जो है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करने लग जाती है, और जब ये कुछ केमिकल सिक्रीट करने लग जाती है तो एक कैविटी बन जाती है, और जो कैविटी है उसके अंदर फ्लूड फील्ड होता है, तो एक फ्लूड फील्ड कैविटी बनने लग जाती है। अब जो फ्लूड फील्ड कैविटी बनती है उसको तो कह देते हैं एंट्रम, एंड फोलिकल। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ग्रेनुलोसा सेल इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज्यादा होगी, इसके अंदर साइज जो है थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्या मैं इसको प्राइमरी फोलिकल कहूंगा? नहीं, मुझे क्या कहना चाहिए? कुछ नाम तो चेंज करना चाहिए, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर वन। इसी वजह से मैं इस फोलिकल का एक दूसरा नाम दे देता हूं, मैं इस फोलिकल का नाम दे देता हूं सेकेंडरी फोलिकल।
प्राइमरी जो पहले बना, सेकेंडरी जो बाद में बना, उसके बाद में टर्शियरी फोलिकल जो है वो भी बनता है, यानी जो उसकी थर्ड स्टेज है, एंड फाइनली एक और मैच्योर स्टेज इसकी बनती है। जो मैच्योर स्टेज बनती है उसके अंदर जो अंदर प्राइमरी ऊसाइट है वो प्राइमरी ऊसाइट कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर। तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देखेंगे कि कैसे जो प्रिमोर्डियल सेल के अंदर प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी ऊसाइट के अंदर कन्वर्ट हुआ और फिर उसके बाद में जो सेकेंडरी ऊसाइट जो है उसके अंदर कन्वर्ट हुआ, तो वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अगर हम यहाँ ओवरी के बारे में बात करें तो ओवरी के चारों तरफ सेल जो है वो लगने लग जाती है, एंड जो इसके चारों तरफ सेल लगती है उसके अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेशन और ज्यादा होती है, एक और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। हम ऐसी जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोल देते हैं ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ग्राफियन फोलिकल ऐसी स्टेज है जहां पर LH की अमाउंट ज्यादा एक्ट करती है, और जब LH की ज्यादा अमाउंट एक्ट करती है तो उसकी वजह से जो फोलिकल जो है वो फट जाता है, एंड इसके अंदर जो सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो बाहर निकलती है, और जब एग बाहर निकलता है तो उस इवेंट को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब एग का रिलीज होना। क्या ये एग बन चुका है? नहीं, ये सेल अभी भी इसका नाम क्या है? सेकेंडरी ऊसाइट। फोलिकल फट चुका है एंड जो ओव्यूलेशन जो है वो हो गया है। एंड अगर हम यहां तक देखें तो FSH LH जो है उसने अपना काम कर दिया है, जैसे फोलिकल का डेवलपमेंट हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। क्या कोई और भी हार्मोन यहां पर सिक्रेट होता है? बिल्कुल होता है भाई। जो सेकेंडरी फोलिकल है वो सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है वो आते हैं। ग्राफियन फोलिकल भी जो है वो सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आते हैं। जब ये फोलिकल बनता है तो इसके अंदर दो लेयर और बन जाती है। जो दो लेयर है उसमें एक तो बाहर वाली लेयर है और एक अंदर वाली लेयर है। अंदर क्या थी? एक कैविटी थी। क्या कैविटी को थिक्का कह दू? हाँ जी, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि एंथ्रम, जो एंथर जो है उसके अंदर जो है कैविटी है तो हम उसको थिक्का बोल देते हैं, तो इसी वजह से हमने इसका नाम रख दिया थिक्का। जो अंदर की तरफ है थिक्का इंटरना, और जो बाहर की तरफ है वो थिक्का एक्सटर्नल। तो दो अलग से लेयर जो है वो बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो फोलिकल जो है वो और आगे डेवलप होता है, यानी कि जो ये रप्चर हो चुका है उसके बाद और स्ट्रक्चर बनती है, और जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें जब रीऑर्गेनाइजेशन होती है, रीअरेंजमेंट होती है, तो जो अलग से फोलिकल बन जाता है उसका नाम हम देते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन भी, और वो सिक्रीट करती है प्रोजेस्ट्रोन भी। लेकिन जो प्रोजेस्ट्रोन की अमाउंट है वो काफी ज्यादा है, एंड जो एस्ट्रोजन की अमाउंट है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा प्रोजेस्ट्रोन है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फीमेल के अंदर अलग अलग हॉर्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं अलग अलग स्टेज के ऊपर, एंड ये जो फोलिकल है ये आगे चल के डीनेचर हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होने के बाद में हम इस फोलिकल को कह देते हैं कॉर्पस एल्बुकेंस। तो ये डिजनरेट हो गया। तो अगर हम देखें तो ओवरी जो है उसकी पेरिफेरी के अंदर एक साइकिल चलने लग गई है फोलिकल की, प्रिमोर्डियल फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी फोलिकल, मैच्योर फोलिकल यानी ग्राफियन फोलिकल, कॉर्पस लूटियम एंड कॉर्पस एल्बुकेंस। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।